मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि इतेजात लफ्ज जुमा क्या होता है और बार नमाज जुमा क्या होता है। आज का जो जलसा यहां पे बुलाया गया है, थोड़े लोग इतराज किए हैं कि इसमें सिर्फ मुसलमान को क्यों, क्योंकि हम देख रहे हैं लास्ट चार पांच हफ्तों से, तीन चार हफ्तों से, कि हर जुमा के बाद में बिना कोई नोटिस, बिना कोई इतला, चंद लड़के वो सुनाकर नारेबाजी लगा रहे हैं। उससे प्रॉब्लम क्या होगा? ट्रैफिक रेगुलेशन। आपका कोई भाई बहन, कोई माँ बेटी भी होता है ट्रैफिक में, जिसको हॉस्पिटल जाना होता है अर्जेंटली या कोई जरूरी काम होता है, उस बातों में कुछ छोटी मोटी नोकझोंक हो गई, उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? आज से गए सर जुमा फैज साहब हमने बोलता के आए थे मेरे पास कि बताए कि साहब हम लोग फ्लाईओवर नीचे इंतजार करना चाह रहे हैं। तो मैं भी एक ही जिक्र किया कि आप लोग ये पब्लिक प्लेस क्यों चिप रहे हैं? पब्लिक प्लेस में आने से पब्लिक ऑर्डर का डिस्टर्बेंस होता है। तो आप लोग पब्लिक प्लेस में तो इमीडिएटली फैज साहब ये जिक्र किए मैसेज, ठीक है साहब हम लोग शादी खाना लेते हैं किराए से, लेके वहाँ पे हर फॉर्म के लोग को बुला के हम एक प्रोटेस्ट प्रोग्राम करना चाहते हैं मीडिया को बुला के। मैं उनकी बात को बहुत ही वेलकम किया, मैं बोला कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि एक वन हॉल में आप बुला के अपना इजहार ख्याल कर रहे हैं, इजहार ख्याल कमरे में कर सकते हैं, रूम पर कर सकते हैं, हर तरीके कर सकते हैं। तो जितना अपन बसो ऐसी हुआ था कि रैली की शक्ल शुरू हुई, उसमें चंद सरपतन लोग जमा हो गए, तो एक बार रैली की शक्ल में एक बड़ा ग्रुप 100-150 का निकलने के बाद में आप या मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकते।